आज हम इस तरह के नेकलेस के जैसी माला जी बनाने वाले हैं। ये माला जी बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही खूबसूरत बनती है। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो आप देख सकें। तो चलिए माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इस तरह के वाइट मोती, इस तरह के गोल्डन मोती और इस तरह का एक बड़ा वाला गोल्डन मोती लेंगे। सबसे पहले हम पेंडल बनाएंगे। इसके लिए हम वाइट मोती लेंगे। हम एक साथ 8 वाइट मोती लेंगे। इस तरह से अब हम जो 8 मोती लिए थे सब मोती में से इस तरह से निकल जाएंगे। इस तरह से राउंड शेप बनाएंगे। सामने वाले दो मोती में से फिर से निकलेंगे, इससे हमारा राउंड सर्कल बन जाएगा। इस तरह से अब हम एक जो बड़ा वाला गोल्डन मोती है वो लेंगे और जो सामने की साइड वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। इस तरह से सामने की साइड के दो मोती में से निकल जाएंगे। अब हम गोल्डन मोती लेंगे, 3 गोल्डन मोती लेंगे और एक वाइट मोती छोड़ के आगे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और एक वाइट मोती छोड़ के आगे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और एक वाइट मोती छोड़ के आगे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और एक वाइट छोड़ के आगे वाले वाइट में निकलेंगे। अब हम जो गोल्डन मोती वह है उसमें से निकलेंगे इस तरह से। अब नीचे वाले गोल्डन मोती में आ जाएंगे। फिर से 3 गोल्डन मोती लेंगे और उसी मोती में से वापस निकलेंगे। तो इस तरह से हमारा पेंडल बन जाएगा। अब हम ऊपर की साइड धागा लेके वहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरह से और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा पेंडल बनके तैयार हो गया है। अब हम फिर से सुई धागा लेंगे, 4 वाइट मोती लेंगे इस तरह से। अब जो पहला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। अब साइड वाले मोती में आ जाएंगे। अब फिर से 3 वाइट मोती लेंगे और आगे वाले उसी मोती में से वापस निकल जाएंगे। फिर से साइड वाले मोती में इस तरह से आ जाएंगे। फिर से 3 वाइट मोती लेंगे और उसी मोती में से सुई निकालेंगे और फिर ऊपर और साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे। फिर से 3 वाइट मोती लेंगे और साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे और नीचे और साइड वाले मोती में फिर से निकलेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से तीन तीन मोती लेते जाएंगे और हमारी ये लाइन है उसे आगे बनाएंगे। इसी तरीके से पहली बार में चार मोती लेने हैं, बाकी सब तीन तीन मोती लेके बनाना है। फिर से तीन मोती लेंगे और आगे वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरह से साइड में से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम 11 टाइम बनाएंगे। तो हमारे 11 बार हो गया। अब हम साइड में एक गोल्डन मोती लेंगे और आगे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से एक गोल्डन मोती लेंगे और आगे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे। फिर से एक गोल्डन मोती और आगे वाले वाइट मोती में से। इसी तरीके से इस तरह से सब वाइट मोती के बीच में एक एक गोल्डन मोती डालेंगे। अब देख सकते हो कितनी आसानी से हमें ये मोती डाल के माला जी बना रहे हैं। ये माला जी बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो इस तरह से हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम साइड वाले मोती में से होके दूसरी साइड में चले जाएंगे। जैसे हमने ये साइड में गोल्डन मोती लगाए वैसे ही सामने की साइड में भी गोल्डन मोती लगाने हैं। इस तरह से दोनों साइड में गोल्डन मोती लगा के लाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट में गांठ लगा के धागा कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा माला जी का एक पार्ट बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हमने दो पार्ट बना लिए हैं। जैसे हमने पहला बनाया था वैसे ही सेम प्रोसेस से दूसरा बनाया। अब हम उसके बीच वाले मोती में आ जाएंगे और जो हमने पेंडल बनाया था उस पेंडल के गोल्डन मोती में से निकल के इस तरह से उसे जॉइंट करेंगे और फिर से जो दूसरा पार्ट है उसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे से जॉइंट कर दिया। अब हम वाइट मोती में से निकल के वहाँ पे गांठ लगा देंगे इस तरह से। और धागा कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी खूबसूरत माला जी बनके तैयार हो गई है। इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है और बहुत ही कम मटेरियल यूज़ करके हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।